Hello viewers, welcome to our channel BAKBAK TV. Please watch videos, like, comment, share and subscribe our channel. Dear viewers, you are watching most popular channel BAKBAK TV. Subscribe this channel for coverage, recording and YouTube uploading of any interview, press conference, music trailer launch or filmy event. Contact BAKBAK TV on +91989204678. We ensure you that your event must be broadcast across the world in HD quality. चैलेंजिंग लगा मुझे और उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया कि सारे अपने चुनिंदा कलाकार जो मनपसंद कलाकार थे सबको चलने का और मजा आया बनाते वक्त। बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब मैंने शुरू की तो मुझे बाद में मनोज जी ने बताया कि तुम्हारा रोल इतना था नहीं, बहुत छोटा रोल था, लेकिन जो तुम्हारी एक इंस्पिरेशन और एक लगाव और तुम्हारी लाइकिंग फॉर दिस रोल थी तो मैं हर रात अपने कमरे में जाता था तो तुम्हारी तीन लाइनें एक्स्ट्रा लिखते थे। कहते हैं ना कि जब अगर आर्टिस्ट दिल से काम करता है वो डायरेक्टर को भी समझ में आ जाता है कि ये इन्वॉल्व है और ये कुछ टाइम पास नहीं कर रहा है, इसके पास टाइम है पिक्चर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। टाइम नहीं है, टाइम है, जब टाइम है तो इसका रोल। सर ये भी जानना चाहूंगा कि कॉमेडी के साथ जो सब्जेक्ट को हाईलाइट किया, इस तरह की कॉमेडी बनना कितनी जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सेंसलेस कॉमेडी काफी बन रही है, उसके बारे में बताइए। इसके अंदर बहुत भारी मैसेज है कि आज की जनरेशन ये भूल चुकी है कि संस्कृति क्या होती है। ये संस्कृति क्या होता है, ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल, एक हम रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं फैमिली को। और बहुत बड़ी बात है कि जिस शख्स ने 70 साल आपके परिवार को बनाने में लगा दी है, क्या आप उसको उसके डेथ के बाद उसकी आत्मा को शांति के लिए, उसके इज्जत के लिए, उसके प्यार के लिए आप थोड़ा टाइम नहीं दे सकते? ये चीज़ें बड़ी दिल को छूती है और मेरे ख्याल से फिल्म के बाद आज की जनरेशन काफ़ी कुछ इस फिल्म के जरिए बहुत सीखेगी। सर और कौन से प्रोडक्शन आने वाले हैं फिलहाल में? जो सर बस अभी लाइन ही लाइन लगेगी सर, आप देखते रहिए इसके बाद क्या होने वाला है। सर आपसे क्या कहना चाहेंगे? दो तीन फिल्में तो नहीं की है हमने परिवार के लिए एक अच्छा सा संदेश देने की कोशिश की है। और क्या कि हर लोग अकेले अकेले फिल्म देखते हैं, हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है कि आपको परिवार के साथ देखनी पड़ेगी और परिवार के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। हम भी आप भी चाहते होंगे कि भाई मैं अपने मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखूं, दादा दादी के साथ पिक्चर देखूं, लेकिन पिक्चरें ऐसी बनती नहीं है कि लोग लेके जावे। आज आप ये पिक्चर देख के आपको भी एहसास होगा कि मैं अपने दादा को लेके जाऊं, अपनी मम्मी को लेके जाऊं, पापा को लेके जाऊं, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं एक खूबसूरत फिल्म देख रहा हूँ और पारिवारिक फिल्म देख रहा हूँ। पहले फिल्में आती थी जिसमें परिवार साथ में जाते थे, आजकल नहीं जाते, तो हमने एक यही कोशिश की है कि परिवार के साथ फिल्म देखें और फिल्म भी बहुत खूबसूरत बनी है। बाकी तो आप लोग मीडिया का साथ देंगे तो हम फिल्म को बहुत अच्छे से और पूरे इंडिया में बहुत बड़ी रिलीज करेंगे। और इसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट और है, उसके बारे में जानना चाहूँगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में वो कब तक आने को? मेरे प्रोजेक्ट अभी तीन प्रोजेक्ट लाइनअप में है, एक मेरी अभी लेटेस्ट फिल्म जो कंप्लीट हो जा रही है खली वाली, उसमें डी हैं, बदू हैं, कम बैक, रोजा पे, रजनी, कायनाथ, राजपाल, दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। चल नेक्स्ट ईयर इस साल का कोटा मनीष जी से मेरा एंड हो रहा है, टाइम नहीं है और इनकी फिल्म से मुझे ऐसा विश मुझे लग रहा है कि बहुत सारा टाइम नहीं रहेगा, फिल्मों के लिए बहुत टाइम है। मेरी आने वाली फिल्म भूतिया पर है, मिथुन दा के साथ लाइनअप में है। अब फिलहाल मैं आज टाइम नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि आज टाइम नहीं है। हम लोगों ने फिल्म बनाई है, इसमें हमारा पूरा परिवार साथ है, हम सब एक साथ, सब पांच प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और सब हमारे फैमिली मेंबर हैं। सर कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन ये बताइए, मैं चाहता हूँ पिक्चर आप सब परिवार साथ देखने जाएंगे तो ऐसा चलिए हम जरूर बैठे का माहौल जैसा फील कर रहे हैं। पिक्चर में जो सच्चाई बताई, जो संदेश दिया गया परिवार के लिए, फैमिली के लिए, यंग जनरेशन के लिए, तो इससे कुछ सीधी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप पिक्चर देते जरूर जाएंगे तो एक बार नहीं 10 बार पिक्चर देखिए। अब ये पिक्चर अपने फैमिली के ऊपर बनाई हुई है, हर फैमिली में कोई ना कोई तकलीफ होती है, हर बच्चों को थोड़ा ये सीखना पड़ेगा कि अपने पुराने संस्कृति के काम में रहे और पिक्चर में पूरी कॉमेडी है वो पानी वाली है। इस मूवी में हर आदमी जो पिक्चर देखने वाला है वो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ महसूस करेगा कि मैं किस किरदार में कहीं ना कहीं इधर खड़ा हूँ, इसी पिक्चर का ये आंसर है।
पिक्चर है? सर पिक्चर में अजय कपूर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सपना में यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी कॉमेडी इसके अंदर रखी है, जो आज के जनरेशन को काफ़ी पसंद आई। खाली संस्कारों के पीछे नहीं, कॉमेडी बना भी अपन काम करेंगे। Thank you for watching BAKBAK TV channel. For interviews and events coverage, contact on 989204-6798. Please subscribe BAKBAK TV channel and press bell icon for latest videos.